बड़ी खबर आ रही है लखनऊ से, जहां पर यूपी में 3 AIS अफसरों के तबादले हुए। अखंड सिंह बने हैं विशेष सचिव नमामि गंगे। अक्षय लाल यादव भी विशेष सचिव नमामि गंगे बने हैं। सरनेत कौर को उन्नाव मुख्य विकास अधिकारी बनाया गया है। तो यूपी में 3 IAS अधिकारियों के तबादले हुए हैं। अक्षय लाल यादव विशेष सचिव नमामि गंगे बने हैं। सरनेत कौर CDO उन्नाव विकास अधिकारी बने हैं और अखंड सिंह बने विशेष सचिव नमामि गंगे। बात ग्रेटर नोएडा की कर लेते हैं, जहां पर 3 शातिर लुटेरे गिरफ्तार किए गए हैं। नॉलेज पार्क पुलिस ने 3 शातिरों को पकड़ा है। बदमाशों के कब्जे से लूट के 14 मोबाइल बरामद किए गए हैं। इलाके में मोबाइल स्नेचिंग करते थे ये लुटेरे और पुलिस ने इन्हें पकड़ लिया है। नॉलेज पार्क थाना पुलिस ने इनको गिरफ्तार किया है। 3 शातिर लुटेरों को गिरफ्तार किया, इनके पास से 14 मोबाइल बरामद किए हैं जो लूटे गए इन बदमाशों की ओर से। इलाके में मोबाइल स्नेचिंग का काम करते थे ये लुटेरे। ग्रेटर नोएडा में 3 शातिर लुटेरे गिरफ्तार किए गए हैं। नॉलेज पार्क पुलिस ने 3 शातिरों को गिरफ्तार किया है। चले बारी है बुंदेलखंड की खबरें सुपरफास्ट अंदाज में आपको दिखाने। चलिए शुरुआत करें। महोबा में शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष वसीम रिजवी के खिलाफ मुस्लिमों ने विरोध प्रदर्शन किया। वसीम रिजवी की ओर से हाईकोर्ट में कुरान की 26 आयतों को हटाए जाने की याचिका से नाराज होकर मोर्चा खोला और कार्रवाई की मांग की। बांदा के दुरेटी गांव में किन नदी में 2 बच्चे नहाते वक्त डूब गए। बच्चों की आवाज सुनकर अफरा तफरी मच गई। हालांकि वक्त पर स्थानीय लोगों ने पहुंचकर दोनों की जान बचा ली। जालौन में कुएं के अंदर बुजुर्ग का शव तैरता मिला। बताया जा रहा है कि बुजुर्ग 15 दिन से लापता था। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कुएं से बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। ललितपुर में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने बहुत दिनों से अलग अलग मामलों में बातचीत चल रहे 24 वारंटियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। हमीरपुर में IPL की तर्ज पर क्रिकेट मैच का आयोजन हुआ, जहां बार बालाओं के ठुमके देखने को मिले। बार बालाओं ने फिल्मी गानों पर खूब ठुमके लगाए। तो बुंदेलखंड सुपर फास्ट के बाद अब आगे बढ़ते हैं और रुक करेंगे अयोध्या में। बात अयोध्या की और मुद्दा राम मंदिर निर्माण का। राम जन्मभूमि मंदिर की नींव की खुदाई अब आखिरी दौर में पहुंच गई है। नींव की खुदाई का करीब 85% काम पूरा हो चुका है और इसी महीने इसका बाकी का काम भी पूरा हो जाएगा और इसके बाद अगले चरण में भराई का काम होगा शुरू। 2024 तक भव्य मंदिर निर्माण के लिए दिन रात एक किया जा रहा है। अयोध्या में तेजी से आगे बढ़ रहा है राम मंदिर निर्माण का काम। राम मंदिर के निर्माण का सबसे पहला चरण नींव की खुदाई का है, जिसका सिर्फ 15% काम ही बाकी बचा है। बाकी सब पूरा किया जा चुका है। इस महीने नींव की खुदाई और इसकी सफाई का काम पूरा हो जाएगा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के मुताबिक काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। नींव की खुदाई पूरी होने के बाद इंजीनियरों की टीम अगले दौर के काम को तेजी से आगे बढ़ाने में जुट जाएगी। भगवान की कृपा से मंदिर निर्माण की दिशा आगे अच्छी दिशा में बढ़ रही है। L&T ने ओपन एक्सकेवेशन का निर्णय ट्रस्ट द्वारा प्राप्त होने के बाद नींव खुदाई प्रारंभ कर दिया है और वो अंतिम चरणों में है। मुझे लगता है कि यथाशीघ्र 15% के आसपास खुदाई और बाकी है, वो पूरी कर लेंगे 15-20%। अगले 3 साल में यानी 2024 तक राम मंदिर का निर्माण पूरा कर लिए जाने की योजना है। अब नींव खुदाई के बाद इसे भरने के लिए खास मटेरियल की डिजाइन और इसके कंपोजिशन को फाइनल कर काम को आगे बढ़ाया जाएगा। ट्रस्ट के मुताबिक अप्रैल के पहले हफ्ते से नींव को खास तरह की निर्माण सामग्री से भरा जाएगा, जिससे मंदिर की बुनियाद बेहद मजबूत बन सके।
कुल 44 परतों में मंदिर की नींव की भराई का काम होगा। इंजीनियर फील्ड मटेरियल की डिजाइन, उसका कंपोजिशन प्राप्त हो जाएगा, फिर आगे की प्रक्रिया तय करके ट्रस्ट उसको प्रारंभ करेगा। सारा काम तय समय सीमा के भीतर पूरा होने पर सबसे ज्यादा जोर है। फाउंडेशन का काम पूरा होने के बाद मंदिर के ढांचे का काम शुरू होगा। कुल 36 महीने के भीतर अयोध्या में भव्य दिव्य राम मंदिर का सपना साकार करने की योजना है। मंदिर की नींव करीब 15 मीटर गहरी है। फाउंडेशन की मजबूती सुनिश्चित करने के लिए यहां मटेरियल के कई तरह के टेस्ट हो रहे हैं। नींव को भरने से पहले उसकी लोड क्षमता भी आंकी जाएगी। सारे काम समय पर पूरे हों इसके लिए हर दिन निर्माण के काम की समीक्षा होती है। ये तो जब उसकी सभी चीज़ें इंजीनियर लोग तय कर लेंगे, फिर वो बताएंगे और अपना नींव भराई का काम प्रारंभ करेंगे। ये उनका इंटरनल इंजीनियरिंग का विषय है। और सारी प्रक्रिया इंजीनियर लोग तय करके उसके अनुसार वो ये नींव भराई का काम प्रारंभ करेंगे खुदाई के पश्चात। बरसात के मौसम से पहले हर हाल में नींव की भराई का काम पूरा हो जाना है। इसके बाद तेजी से स्ट्रक्चर तैयार किया जाना शुरू हो जाएगा, जिसके लिए पत्थरों को लगातार जमा किया जा रहा है। एबीपी गंगा के लिए अयोध्या से ऋषि गुप्ता की रिपोर्ट। तो ये राम मंदिर का जो इंतजार है वो 2024 तक उसकी मियाद है कि 2024 तक बनकर तैयार हो जाएगा, और नींव की खुदाई का काम 85% पूरा हो चुका है। बिल्कुल, ट्रस्टी कह रहे हैं कि L&T बहुत तेजी से काम कर रही है। और अब खबरों में आगे बढ़ते हैं और सुपर फास्ट अंदाज में आपको पश्चिमी उत्तर प्रदेश की खबरें दिखाते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। गाजियाबाद के साहिबाबाद में हिंडन नदी के अंदर 4 बच्चे डूब गए, जिसमें से 2 को बचा लिया गया, तो 2 बच्चों की तलाश जारी है। सभी बच्चे हिंडन नदी में नहाने पहुंचे थे। आगरा विकास प्राधिकरण के नए उपाध्यक्ष राजेंद्र पेंसिया एक्शन बोर्ड में है। निरीक्षण कर सुविधाओं को बढ़ाने के निर्देश दिए, साथ ही कई जगहों को कब्जा मुक्त करवाया गया। बिजनौर में शॉर्ट सर्किट से घर में आग लग गई। आग की लपटों में झुलसी महिला की मौत हो गई। घर में रखा कीमती सामान भी जलकर राख हो गया। नोएडा के सेक्टर 74 में व्हाइट हाउस सोसाइटी की 7वीं मंजिल की छत से गिरकर बुजुर्ग की मौत हो गई। मृतक झारखंड के रांची जिले के रहने वाले। गाजियाबाद के लोनी में जीजा ने अपने साले की चाकू से गोदकर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि पैसे के लेन देन को लेकर दोनों के बीच विवाद हुआ था। पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई। बागपत में ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर आधी रात को हादसा हो गया। एक चलती कार में जबरदस्त आग लगी। हालांकि कार सवार ने कूदकर मुश्किल से अपनी जान बचाई। मुजफ्फरनगर में पुलिस ने चेकिंग के दौरान 3 अंतर्राज्यीय शराब तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मुठभेड़ में अंतर्राज्यीय शराब तस्करों को गिरफ्तार किया, जिनके कब्जे से पुलिस ने 17 पेटी देसी शराब और 3 तमंचे, 8 कारतूस और 1 बोलेरो बरामद किए। अलीगढ़ पुलिस ने बलात्कार का फर्जी केस लिखवाने वाले गैंग का खुलासा किया है। साथ ही गैंग के अब्दुल और शाहबुद्दीन को गिरफ्तार करके मामले का पर्दाफाश किया। दोनों आरोपियों ने धमकी दी थी किसी को। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ऋषिकेश पहुंचे और ओम बिरला अपने परिवार के साथ परमार्थ निकेतन आश्रम में आए हैं। दरअसल उनकी शादी के 30 बरस पूरे होने पर वो निजी कार्यक्रम के तहत यहां पर आए और इस दौरान लोकसभा अध्यक्ष ने मां गंगा की आरती की और गंगा स्नान भी किया। तो अपने परिवार के साथ ऋषिकेश में पहुंचे ओम बिरला और आज मुख्यमंत्री लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात भी करेंगे। लोकसभा अध्यक्ष उनसे मुलाकात का भी कार्यक्रम है। हालांकि निजी दौरे पर पहुंचे हैं, परिवार के साथ पहुंचे हैं। तस्वीरें आपको ऋषिकेश की दिखा रहे हैं, जहां पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला पहुंचे अपने परिवार के साथ, गंगा स्नान किया और आरती में भी शामिल हुए। अल्मोड़ा और बागेश्वर को गैरसैंण कमिश्नरी में शामिल किए जाने को लेकर सांसद अजय भट्ट का बयान सामने आया। अजय टमटा का कहना है कि अल्मोड़ा शहर का पुराना इतिहास रहा है और टमटा ने कहा कि इस बारे में उन्होंने नए सीएम से बात की है।
ये बाद में अल्मोड़ा के बाद नैनीताल बनी और इसलिए नैनीताल में हम मर्ज किए गए, जिसमें आज 4 जिले 6 जिलों के रूप में वहीं चंपावत भी अलग हुआ, बागेश्वर भी अलग हुआ। तो ऐसा करके एक स्वरूप था और हमने भी ये कहा है कि इसका गजट नोटिफिकेशन अभी नहीं हुआ है और इसको चूँकि जनभावनाओं के अनुरूप ही फैसले लिए जाते हैं, ऐसा नहीं है, और उसके फैसले के अनुरूप जो जनता चाहेगी वैसा ही होगा और जो अच्छा होगा वही करेंगे। इस बारे में हमने स्पष्ट कर दिया है, मुख्यमंत्री जी से भी बात हुई है। तो अजय टमटा को आपने सुना, अल्मोड़ा से ही वो सांसद भी हैं और उनके इस बयान से ये भी झलक रहा है कि अल्मोड़ा और जो बागेश्वर के लोग हैं वो शायद नहीं चाहते हैं कि गैरसैंण कमिश्नरी का वो हिस्सा बने। जी अब आगे बढ़ते हैं और अब आपको उत्तराखंड की खबरें सुपरफास्ट अंदाज में दिखाते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। बीजेपी सरकार के 4 साल पूरे होने वाले हैं और इस पर जो कार्यक्रम थे उन्हें स्थगित कर दिया गया। दरअसल 18 मार्च को भाजपा सरकार के कार्यकाल के 4 साल पूरे हो रहे थे, इस दौरान विधानसभावार कार्यक्रम रखे गए थे। उत्तरकाशी जिला पंचायत में भ्रष्टाचार के मामले को लेकर बैठक के दौरान हंगामा हुआ। हंगामा इस बात पर है कि जब डीएम की रिपोर्ट में करप्शन की पुष्टि हो चुकी है तो फिर इस मामले में कार्रवाई क्यों नहीं हो रही। बाजपुर में नेशनल हाईवे पर दर्दनाक हादसा हुआ, डंपर की चपेट में आकर बच्चे की मौत हो गई। हादसे से गुस्साए लोगों ने शव को सड़क पर रखकर जाम लगा दिया। इस दौरान ग्रामीणों की राहगीरों के साथ कहासुनी भी हुई। चीनी में नेशनल हाईवे 58 पर तोता घाटे के पास में दिन भर आए दिन जो है मलबा गिरता रहता है। राहगीरों की सुरक्षा की दृष्टि से हाईवे पर शाम 6 बजे से सुबह 5 बजे तक वाहनों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई है। पौड़ी के कई गांव में इन दिनों गुलदार का आतंक है। ये गुलदार अब तक कई लोगों पर हमला कर चुका है। ग्रामीणों में गुलदार की दहशत ऐसी है कि लोग शाम ढलते ही अपने घरों से बाहर नहीं निकलते। तो आपने सुपरफास्ट अंदाज में उत्तराखंड की खबरें देखी, आगे बढ़ते हैं। श्रीनगर में नेशनल हाईवे पर लैंडस्लाइड का लाइव वीडियो सामने, जिसमें हाईवे पर पहाड़ी का एक बड़ा हिस्सा गिरता है। ये वीडियो देखकर मौके पर मौजूद लोगों की रूह कांप गई। श्रीनगर में देवप्रयाग के पास नेशनल हाईवे 58 पर पहाड़ी अचानक दरकने लगी। पहले तो पहाड़ी में हल्की से हलचल शुरू होती है, फिर देखते ही देखते पहाड़ी का एक बड़ा हिस्सा नीचे गिरने लगता है। ये नजारा देख मौके पर मौजूद लोग चिल्लाने लगते हैं। गनीमत रही कि पहाड़ी तरकने की भनक पहले ही लग गई थी, वरना नुकसान कहीं ज्यादा होता। एक बार फिर से इस वीडियो को देखिए, पहाड़ी तरकने के साथ ही ढेर सारा मलबा हाईवे पर आ गिरता है। का एक बड़ा गुबार उठता है। इस दौरान राहगीरों में अफरा तफरी मच जाती है। जरा सोचिए, अगर ये मलबा किसी के ऊपर गिर जाता तो क्या होता। एबीपी गंगा के लिए श्रीनगर से मोहन कुमार की रिपोर्ट। तो वाकई में तस्वीरें काफी हैरान करने वाली हैं श्रीनगर की। अगर लैंडस्लाइड के दौरान कोई गाड़ी वहां से गुजर रही थी तो क्या हाल होता, ये सोचकर भी रूह कांपती है।